धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। सब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। जिस तरीके से और आज ये चर्चा सदन में करने का कारण इसीलिए बना कि जिस तरीके से 7 फरवरी 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग दी गई और उसमें ये कहा गया कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में हो या प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश को खारिज करती है, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं है। और सर, इसी में मैं आग्रह करूंगा हमारी केंद्र सरकार से कि वो इस विषय पे हस्तक्षेप करे और सर, आरक्षण से जुड़े हुए जितने भी कानून है उसको वंस एंड फॉर ऑल 9वीं सूची में डालने का काम करें, ताकि समय समय पर रह रहकर जो आरक्षण के ऊपर लोग न्यायालय जाकर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर, मंडल कमीशन, सर मुझे 2 मिनट और चाहिए सर। सर, आप मुझसे मिले थे, आपने कहा था कि मैं विषय उठाना चाहता हूँ। आप मुझसे मिले थे, आप मैं विषय उठाना चाहते हैं? नो, गलत, नो। अर्जुन जी, हाँ, चिराग पासवान जी बोलिए, हो गया इनका चिराग जी का। सर, मैं इसीलिए सर मैं आग्रह करता हूँ सरकार से कि एक तो इसको 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि समय समय पर सर आरक्षण को लेकर जो लोग न्यायालय चले जाते हैं वो वंस एंड फॉर ऑल वो डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर, मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो लागू किया गया, पर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 नवंबर 2 मिनट सर, 2 मिनट का सर समय बस और जाऊंगा। सर, ये जो बार बार सर इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, सर मैं चाहूंगा कि थोड़ी गंभीरता से इन बातों का जिक्र किया जाए, क्योंकि इन बातों का प्रभाव देश भर की जनता पे पड़ता है। सर, एक बड़ी आबादी है जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आती है, सर आप उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। सर, इसी सरकार ने सर अगर आरक्षण विरोधी अगर ये हमारी एनडीए की सरकार होती तो आरक्षण को जो मजबूत करने का काम किया गया, ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया गया, तो ये आरक्षण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने सर ये अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट उसको जब दंतहीन करने का जब प्रयास किया गया, तो हमारी सरकार और लोक जनशक्ति पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसमें हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका डाली। सरकार ने हाउस का समय एक्सटेंड करके 2-3 दिन के भीतर उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करवाया। तो सर, हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को समाप्त करना तो दूर की बात है, उसमें चर्चा की भी गुंजाइश नहीं हो सकती है। राजा जी, मिस्टर स्पीकर साहब।